नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियां। फतेहपुर सीकरी में पुलिस की अवैध वसूली को लेकर के गाड़ी मालिक व ठेकेदार में हिंसक झड़प। मामला फतेहपुर सीकरी से आगरा तक चलने वाले डग्गामार वाहन का संज्ञान में आया है। डग्गामार वाहनों के चलाने के लिए प्राइवेट ठेकेदार एक नियुक्त कर दिया गया है। डग्गामार वाहन के अनुसार पुलिस के लिए प्राइवेट ठेकेदार द्वारा अवैध पैसा उगाया जाता है। ड्राइवर के विरोध करने पर ठेकेदार के गुर्गों ने ड्राइवर को बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर दिया। गाड़ी में भी तोड़फोड़, अपराधियों के हौसले बुलंद। जी हां, मामला पूरा फतेहपुर सीकरी साकुली रोड का है, जहां पर रिंकेश पुत्र मेंबर सिंह नाम का एक व्यक्ति, जो कि चकोरा फतेहपुर सीकरी का निवासी है और UP 83 BT 3938 बोलेरो गाड़ी चलाता है। यहां से और भी ड्राइवर फतेहपुर सीकरी से आगरा तक सवारियों को भरकर लाते ले जाते हैं। रिंकेश के कहे अनुसार आज रिंकेश आगरा से सवारियां भरकर फतेहपुर सीकरी आ रहा था कि बीच में ही धीरू नाम का व्यक्ति का फोन आया और उसे गाली गलौज करने लगा। फतेहपुर सीकरी आने पर धीरू नाम के व्यक्ति ने रिंकेश के साथ मारपीट की। बताया जाता है कि धीरू ठेकेदारी का काम करता है और मुड़ियापुरा क्रावली का रहने वाला है। रिंकेश के कहे अनुसार धीरू हर महीने सभी डग्गामार गाड़ियों से पुलिस के लिए 2000 रुपए प्रति गाड़ी के हिसाब से महीने की उगाही करता है। धीरू और रिंकेश के झगड़े में गाड़ी का शीशा भी टूट गया व रिंकेश के चोट भी आई है। क्या वाकई पुलिस डग्गामार वाहनों से हर महीने पैसा उगाती है और ठेकेदार रिंकेश जैसे लोगों से 50 रुपए रोज अपने लिए भी उगाते हैं? भाई साहब, आपका जी गाड़ी नंबर क्या है आपका? उससे पहले फोन आया था अरवान का जी। अरवान कौन था? चलेगा उसे ठेकेदार से कोई वारदात हुई तेरी, पर पैसा नहीं दिए तो तू 24 घंटे तेरे हाथ पर टूट दिए जाएंगे। मेरे भाई साहब पैसे दे रहा हूँ, फतेहपुर तो पहुँचाने दो मुझे। तो फतेहपुर गेट को उतर नहीं पाया गाड़ी में, तो उतरे पहले 4-5 हाथ पाँव ऑटो लंबा कंडे से मुझे डांट डांट के मारा, मुझे 20 रोड पर मारा सड़क पर। किस बात के पैसे लेता है? आने के 2000 रुपये मांग रहा था, 50 रुपये ठेका के मांग रहा था, मुझे उतर नहीं दिया। उससे पहले मुझे बहुत मारपीट करी है, मेरे सामने मेरे पैरों में और हाथों में पीठ पर भी सूजन है मेरे पे। सारे पैसे उतर दे नहीं पाया, मारने की धमकी दे। थाने के पैसे मतलब अवैध वसूली? अवैध वसूली मांग रहा, 50 रुपये ठेका लेता रोज और 2000 तो महीना दारी। आपने पुलिस को अवगत कराया? पुलिस को अब तक करा रहा दे रहा हूँ। क्षेत्रीय पुलिस को या 100 पुलिस को? पूरे क्षेत्र में थाने की चौकी सबकी जाती है जी। सबका दे रहा हूँ, उतर नहीं पाया। क्या आश्वासन दिया 100 पुलिस ने जी? क्या आश्वासन दिया फिर पुलिस ने? एफआईआर करने के लिए थाने जा रहा हूँ। आप लोगों को जीवित हो रहा है, गरीब आदमी की मदद करें, हम लोग बेरोजगार हैं। हमसे जो ठेकेदार मारपीट, 2-4 लोग रहते हैं, मार देने की धमकी देते हैं। फतेहपुर सीकरी से अब्दुल कदीर की खास रिपोर्ट, 707 नंबर पर उपलब्ध।